नमस्कार दोस्तों, मैं अपनीता क्रिएटिव विनीता चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कोकोनट बर्फी की रेसिपी, जिसे हम सिर्फ 3 चीजों से बना करके तैयार करेंगे, वो भी बिना गैस जलाए। इस रक्षाबंधन, इस बिना मिलावट की मिठाई को आप घर पे जरूर बनाएं और बिना मिलावट का प्यार अपने भाइयों को जरूर परोसे। तो चलिए जानते हैं इसे कैसे बनाते हैं। नारियल की बर्फी बनाने के लिए एक मिक्सिंग बाउल में हम लेंगे 2 कप नारियल का सूखा बुरादा, ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। ये हमने लिया 2 कप। साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे 1 कप पाउडर मिल्क। आप किसी भी ब्रांड का पाउडर मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कप कंडेंस मिल्क। एक बार हम इतना ही डाल रहे हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो 1 से 2 चम्मच हम आगे इस्तेमाल और कर लेंगे। अब इन सबको हम अपने हाथों की मदद से अच्छे से मिला लेंगे और एक डो लगा करके तैयार कर लेंगे। डो में मॉइस्चर थोड़ा कम है तो हम 1 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क का और इस्तेमाल कर लेंगे। हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क और वापस से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक टाइट डो लगा करके हमें तैयार करना है। आप देख सकते हो डो हमारा लगकर तैयार है। कुछ इस तरह का डो हमें चाहिए। अब इस डो को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक पार्ट को हम दूसरे बॉल में ट्रांसफर कर देंगे। इस बॉल को अभी हम साइड रख देते हैं और ये बचा हुआ जो मिश्रण है इसमें हम ऐड करेंगे फूड कलर। मैं यहाँ ऑरेंज कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपने मनपसंद कलर का इस्तेमाल कर सकते हो। पहले मैं कलर जरा सा ही डाल रही हूँ ताकि कलर हमारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा सा कलर और ऐड कर लेंगे। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। कलर एकदम इवनली हो जाना चाहिए। कलर हमारा हल्का लाइट लग रहा है तो इसमें मैं कलर और ऐड कर रही हूँ। आप कोशिश करें कि लिक्विड कलर का ही इस्तेमाल करें। अगर आपके पास लिक्विड कलर ना हो, ड्राई कलर हो, तो उसे आप कंडेंस मिल्क में मिक्स करके इस्तेमाल करें। आप देख सकते हो अच्छा ऑरेंज कलर हमारा निखर के आ चुका है। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। कलरफुल डो हमारा लग के तैयार है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, लेना है एक बटर पेपर और ये जो पोर्शन है वाइट वाला, इसे हमें एक रेक्टेंगल शेप देकर ब्रिक की तरह बना लेना है। शुरुआत में हमें थोड़ी डिफिकल्टी आएगी बट ये आराम से बन जाएगा। मैं यहाँ हाथों की मदद से कुछ इस तरह से इसे प्रेस कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से कंबाइन हो जाए। ये देखिए आप, ये हमारा ब्रिक बनकर तैयार हो चुका है। इसमें कोई क्रैक्स वगैरह नहीं है। इसे एक बार हम साइड कर देंगे और ऑरेंज वाले पोर्शन का एक बॉल बना लेंगे। ये बॉल बन चुका है हमारा। हाथों से थोड़ा सा इसे मैंने फ्लैट कर लिया है। अब एक बेलन की सहायता से इसे हम बेल कर तैयार करेंगे। एकदम हल्के हाथों से हमें इसे बेलना है। ये जो आपको इसमें घी दिख रहा है, ये बुरादा से ही निकला हुआ घी है। हमने कोई एडिशनल घी इसमें ऐड नहीं किया है। इसे हम बेल लेंगे। कुछ इस तरह का बेल कर हमें तैयार करना है। अब ये जो व्हाइट वाला पार्ट है इसे हम एकदम सेंटर में रखेंगे और कुछ इस तरह से हम बटर पेपर को टर्न कर देंगे। हाथों की मदद से अच्छे से प्रेस कर देंगे। दूसरी साइड से भी हम सेम उसी प्रकार से टर्न करते हुए हाथों की मदद से प्रेस कर देंगे और एक अच्छा सा ब्रिक का शेप बना करके हम तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हो
वापस से इसे हम बटर पेपर से रैप कर देंगे। अच्छे से रैप करें, शेप हमारा बिगड़ना नहीं चाहिए। दूसरी साइड से भी हम रैप कर देंगे। शेप को आप मेंटेन रखें और इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे। एकदम हल्के हाथों से करें आप। अब इसे हम फ्रिज में आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दें। ध्यान रखें, फ्रीजर में नहीं रखना है, फ्रिज में ही हमें इसे आधे घंटे के लिए रखना है। लगभग आधे घंटे बाद हम बर्फी की ब्रिक को चेक कर लेंगे। ये अच्छे से सेट होके तैयार है, आप देख सकते हो काफ़ी सुंदर लग रही है। थोड़ा सा और सुंदर बनाने के लिए मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ चांदी की वरक। आपके पास ना हो तो आप अवॉइड भी कर सकते हो, उसके बिना भी ये अच्छी ही लगेगी। कुछ इस तरह से हम वरक लेंगे और इसे प्रेस कर देंगे। कॉटन की मदद से कुछ अच्छे से प्रेस कर देंगे। हमने बर्फी की पूरी ब्रिक के ऊपर चांदी की वरक लगा ली है। अब इसे हम कट करके तैयार करेंगे। एक चाकू की मदद से इसे हम कट कर लेंगे। जितनी मोटी आपको बर्फी चाहिए आप उसी हिसाब से इसे कट कर लें। मैं आपको पास से इसका लुक बताती हूँ। आप देखिए ये कितनी सुंदर लग रही है। कोई नहीं कहेगा कि ये घर पे बनकर तैयार हुई है। इसी तरह से हम सारी बर्फी कट कर लेंगे और प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। हमने सारी बर्फी को कट कर लिया है। आप देख सकते हो काफ़ी सुंदर और स्वादिष्ट बर्फी हमारी बनकर तैयार हुई है। इस राखी के त्यौहार पर आप इस बिना मिलावट की मिठाई को घर पर जरूर बनाएं और अपने भाई को बिना मिलावट का प्यार परोसे। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मेरे वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें। ये जो सामने तीन ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें से ऑल को सेलेक्ट करें।